की शिकायत रहती है कि छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास के दौरान एक जगह टिक कर बैठने के बजाय इधर उधर भागते हैं। इसीलिए ये खबर बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि पढ़ाई को लेकर बच्चों की चंचलता से परेशान होकर कहीं आप कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिस पर पछताने के लिए आंसू भी कम पड़ जाएं। छोटे बच्चे का टेंशन आ रहा है उसको कि वो ऑनलाइन क्लास में बैठता नहीं है। साढ़े तीन साल का बच्चा कैसे करेगा ये सब कुछ, उसका तो खेलने में मन लगता है। थोड़ा सा दबोच के बेडरूम में तो उसके जो उसका दम घुट गया और उसमें वो मर गई। जिन मासूम हाथों ने घर की इन्हीं दीवारों पर सूरज उगाया था, अब उस मासूम की जिंदगी का सूरज इन्हीं दीवारों में दम तोड़ चुका है। फूल जैसा जो बच्चा दीवारों पर अपनी कला की खुशबू बिखेरता था, अपनी बगिया के उस फूल को माँ ने अपने हाथों से तोड़ दिया। जिन नन्ही उंगलियों ने अभी रंगों से खेलना ही सीखा था, उन उंगलियों को हमेशा के लिए रोक दिया गया। अपनी ड्राइंग बुक में जिंदगी के रंग उतारने का हुनर सीखा ही था कि माँ ने ही मासूम की जिंदगी छीन ली। पिता का कलेजा अब तक कांप रहा है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि कलेजे के टुकड़े को माँ ने ही मौत के घाट उतार दिया। इस घर में जो कुछ हुआ है उसे जानकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में एक महिला ने ऑनलाइन क्लास न करने पर अपने 3.5 साल के बच्चे की जान ले ली। न सिर्फ इतना, उस महिला ने बच्चे को गला घोंट कर मारा और उसके बाद खुद भी फांसी लगा ली। कई घंटों तक दोनों की लाश दरवाजे के पीछे पड़ी रही और घर वालों को लगता रहा कि अंदर ऑनलाइन क्लास चल रही है। जब पति ने दरवाजा खटखटाया और बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया, तब जाकर राज फाश हुआ। नासिक के इंदिरा नगर इलाके में पुलिस को एक हैरान करने वाली घटना की जानकारी मिली। 9 अगस्त की शाम को पुलिस को फोन करके बताया गया कि एक महिला ने अपने बच्चे की हत्या करने के बाद फांसी लगा ली है। जब पुलिस घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर दहल उठी। घर की दीवारों पर बच्चे की बनाई पेंटिंग्स थी, हर तरफ खामोशी और परिवार वालों का मातम। परिवार वालों के मुताबिक 9 अगस्त को ऑनलाइन क्लास के लिए शिखा अपने 3.5 साल के बच्चे रिधान को लेकर पढ़ाई के लिए अपने कमरे में ले गई। महिला ने दरवाजा बंद कर लिया। शाम को करीब 4 बजे शिखा के पिता ने चाय के लिए आवाज लगाई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बाद में जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वहां 2 लाशें और एक सुसाइड नोट मिला। मुझे किसी से शिकायत नहीं है, सब अच्छे हैं। जो मैं कर रही हूं उसके बारे में किसी को परेशान ना किया जाए। महिला के पति का कहना है कि स्कूल में बच्चा एक जगह बैठता नहीं था, इधर उधर भागता रहता था, और जब से कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लास होने लगी तब पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से बच्चे की माँ काफी तनाव और गुस्से में रहती थी। स्कूल का प्रेशर मम्मी के ऊपर आ गया कि वो स्कूल टेबल के सामने कैमरे के सामने नहीं बैठ रहा है, उसको बिठाओ। स्कूल से बोला था कि नहीं उसको स्कूल में बिठाओ, सब बच्चे सामने बैठे हैं, वो क्यों नहीं बैठता, उसको बिठाओ। उससे इतना होमवर्क करा के लो, 3.5 साल का बच्चा कैसे करेगा ये सब कुछ। ये सोचकर ही दिल कांपने लगता है कि पढ़ाई के प्रेशर में कोई माँ अपने 3.5 साल के बच्चे को गला घोट कर मार सकती है। पड़ोसियों के मुताबिक बच्चे की पढ़ाई को लेकर माँ अक्सर गुस्से में रहती थी। छोटे बच्चे का टेंशन आ गया उसको कि वो ऑनलाइन क्लास में बैठता नहीं है। टीचर बोलते हैं कि 1 घंटा इसको बिठाओ, वो बैठता नहीं था, भागता रहता था। तो वो टीचर उसको बोलते थे कि आप मम्मी हो तो बिठाओ, वो बैठता नहीं, तो भागता था, खेलता था। नासिक के इस घर में हुई घटना ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। अब तक की जांच में पुलिस का दावा है कि जिस महिला ने अपने 3.5 साल के बच्चे की हत्या की थी, वो पढ़ाई के वक्त बच्चे की शैतानियों से तनाव में रहती थी। वो बच्चे पर बार बार पढ़ाई के लिए प्रेशर बनाती थी और इस बात से खुद भी तनाव में थी। पढ़ाई लेते वक्त हो सकता है कुछ अनबन हो गई हो। ये जो महिला है उसको क्रोध बहुत जल्दी आता था और उसने उसको जो थोड़ा सा दबोच के बेडरूम में तो उसके जो उसका दम घुट गया और उसमें वो मर गई। पढ़ाई का जो प्रेशर अब तक कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की जान लेता था, अब पहली बार वैसा ही प्रेशर नासिक में हुई इस घटना को लेकर देखने को मिला है।
यह घटना समाज, स्कूल और हर माँ बाप के लिए सबक है। बच्चों को किसी भी चीज के लिए प्रोत्साहित करें, उन पर किसी तरह का प्रेशर ना डालें। हम सब ये बात जानते हैं कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। जरा सोचिए, 3.5 साल के बच्चे पर पढ़ाई के लिए किसी तरह का दबाव क्यों बनाना। जिन बच्चों से हमारी दुनिया रोशन है, उन नन्हे चिरागों को तनाव देकर उन्हें बुझाने का हक किसी को नहीं है, फिर चाहे वो माँ बाप की क्यों ना हो। इसलिए बच्चों को खुलकर जीने दीजिए, ताकि वो अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपने सपनों की उड़ान के लिए खुद का आसमान बना सके। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन सौ बात।